व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? तो डिजिटल मार्केटिंग छोड़ो, व्हाट इज मार्केटिंग? प्रमोशन करने के लिए। प्रमोशन। अनफॉर्चुनेटली यार देखो, जब भी हमारे पास मार्केटिंग का टर्म आता है, हमें ये क्यों जहन में आता है प्रमोशन? हमने 4 P's पढ़े हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सब मार्केटिंग का पार्ट है। फिर अगर 7 C's पे चले जाते हैं, पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, ये भी हमारे पास मार्केटिंग का पार्ट है। तो मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन नहीं है। बेसिकली जब मार्केटिंग स्टार्ट होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है? आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड। एक कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, नेक्स्ट फिर क्या है, उस नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलप करना। प्रोडक्ट डेवलप हो जाए तो फिर क्या, कस्टमर को कम्युनिकेट करना, और फिर क्या, कस्टमर तक डिलीवर करना। ये सब का सब मार्केटिंग में है। प्राइस, प्लेस, ठीक है, प्रोडक्ट, ये सब चीजें मार्केटिंग में है। सिर्फ एक प्रमोशन एक सब पार्ट है मार्केटिंग का। तो हमेशा याद रखना भाई, मार्केटिंग क्या है, आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड, नीड्स को आइडेंटिफाई करो। मसलन इस वक्त मैं आपको बताता हूँ हॉस्पिटल का वाकया। तो अब वो हॉस्पिटल में थे, तो वहां पे तमाम चीजें बंद है, करवाई भी, कैफेटेन, कैंटीन वगैरह सब बंद है। तो अब ये प्रॉब्लम थी कि भाई नाश्ते में क्या लेके आए, और बहुत सारे मरीज ऐसे थे। तो आप यकीन नहीं करोगे, एक बंदा था, वो सुबह में बाइक के ऊपर 4 थर्मस चाय के भर के लेके आता था, 2 मीठे और 2 फीके। और वो वहां पे पर कप जो है 20 रुपए के, छोटा कप और वो भी आधा, 20-20 रुपए के हिसाब से बेच रहा था। और साथ में पापे, 10 रुपए का एक पापा। जैसे ही सुबह 7 बजे तो ढूंढ मचने लगी कि यार वो अब तक आया क्यों नहीं। 7:30 बजे उस पर ऐसा रश था, ऐसा रश था उसके पास, क्यों? आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड, कि कस्टमर की नीड क्या है। अब वो चाहे एक्सप्लॉइट कर रहा है सिचुएशन से या कुछ भी कर रहा है, उसने नीड आइडेंटिफाई की, प्रोडक्ट डेवलप उसने डेवलप की, कम्युनिकेट की और डिलीवर कर रहा है। तो ये मार्केटिंग है। सिर्फ सेलिंग इज नॉट मार्केटिंग। सेलिंग बेसिकली प्रमोशन, और प्रमोशन का भी एक सब पार्ट है सेलिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग के अंदर ये तमाम चीजें आ जाएंगी। आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड, जब नीड आइडेंटिफाई हो गई तो फिर हमें प्रोडक्ट डेवलप करनी है, कि उस नीड को फुलफिल किया कैसे जाए। वो हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये चीज अवेलेबल है। और जब वो भी हो गई, कम्युनिकेट भी हो गई, तो अब जब कस्टमर डिमांड करेगा तो उन्हें डिलीवर भी किया जाए, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या है, वो इन सबसे मिलके बना है। अब हुआ क्या है, क्या जो मार्केटिंग करते थे, क्या आज की मार्केटिंग वो मार्केटिंग है? नहीं, डिफरेंस आ गया है। आज जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो मार्केटिंग नहीं है जो पहले होती थी। हुआ क्या है, इन डिजिटल कॉन्टेक्स्ट अ कंपनी मस्ट मैनेज मेनी डिफरेंट मूविंग पार्ट्स। इट नीड्स टू कंसिडर पेड मीडिया। क्या है, हमारे पास टीवी कमर्शियल्स है, एड्स आते हैं। अब डिजिटली क्या हो गया हमारे पास, गूगल एड्स है, ओन मीडिया, अपने अपने लोगों के मीडिया चैनल्स हैं। किस रिप्लेस हो गया, ओन वेबसाइट, अब उसके जरिए चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। अर्न मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, और हमारे पास अदर रिसोर्सेज जैसे वर्ड ऑफ माउथ, रिव्यू वेबसाइट्स। अब क्या कर रहे हो, आप रिव्यूज दे रहे होते हो, ये अच्छा है या नहीं है या जो भी है। तो हमारे पास चीजें चेंज हुई हैं, मगर बेसिकली हुआ क्या है, उनकी जो पुराना स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया है, मीडियम्स चेंज हो गए हैं, मेथड्स चेंज हो गए हैं। चीजें आज भी वही हैं, प्रमोट भी वैसे ही हो रही हैं, मगर मेथड्स चेंज हो गए हमारे पास। बेसिकली हमारे पास 4 तरह की हमारे पास में चीजें आती हैं। एक लापा है इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग से मतलब क्या है, इनबाउंड से बता दिया मेरे पास, कि द कंपनीज इंश्योर दे कैन बी फाउंड व्हेन कस्टमर सर्च फॉर द सर्विसेज और प्रोडक्ट। कि जब भी कस्टमर किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करे, उनको वो प्रोडक्ट या सर्विसेज मिल जाए। देखो दो है, हमने पढ़ा ना पुश और पुल स्ट्रेटेजी, कि या तो आप पुश कर रहे हो मार्केट में प्रोडक्ट,
या कस्टमर खुद पुल कर रहा हो उस प्रोडक्ट को, ठीक है, हम सिंपल से पुश एंड पुल कह देते। यहाँ पे क्या हमारे पास इनबाउंड और आउटबाउंड है। इनबाउंड क्या है कि कस्टमर खुद सर्च करो प्रोडक्ट को, सर्च करे उसे मिल जाए, जिसको हम आसान अल्फाज में क्या कहते हैं, एसईओ कहते हैं, कि एसईओ कर लो। एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। ये एसईओ होता क्या है, आपने गूगल पे लिखा, अब कहते हैं ये एक एस्टिमेशन के हिसाब से 90% ऑफ ऑल द सर्च टेक्स प्लेस ऑन गूगल, ठीक है, 90% जितनी भी हमारे पास सर्च है वो सब गूगल के ऊपर हो रही होती है। आपने क्या किया, आपने कोई चीज लिखी, मसलन आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग असाइनमेंट, ठीक है, अब होगा क्या, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी लंबी सी और नीचे भी आगे पेजेस आ रहे होंगे डिफरेंट। आप क्या करोगे, आप क्योंकि पहले पेज से उठा लेते चीजें, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको पहले पेज पे चीजें नहीं मिली तो आप सेकंड पेज पे गए, और रेयर केस में आप थर्ड पेज तक जाते हो, उसके आगे तो जाते ही नहीं है। क्या उसके आगे चीजें नहीं है, मगर हुआ क्या है कि वो आपकी सर्च में नहीं आ रहे, ठीक है, क्यों, उन्होंने एसईओ नहीं की। अभी एसईओ क्या है, किस तरह हो रही होती है, खैर अभी हम बाद में आगे जाके बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो इनबाउंड क्या है, जब भी कस्टमर कोई चीज सर्च कर रहा हो तो उनको वो मिल जाए। नेक्स्ट आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है कि जो कस्टम जो आपकी कंपनी वो खुद करे, क्या करे, टारगेट कर रही हो कस्टमर्स को, खुद ढूंढे। यहां कस्टमर ढूंढ रहा है प्रोडक्ट को, यहां ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रही है कस्टमर को, किस तरह से, एड्स लगा के। आप यूट्यूब खोलो जरा कोई भी चीज, इतने एड्स आएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या है, एड्स लगे हुए। एड्स क्यों लगे हुए, ताकि लोग एड्स देखेंगे तो प्रोडक्ट पे सर्विसेज पे जाएंगे। और यहां पे क्या है कि आपने नहीं किया, कस्टमर ने खुद अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सर्च कर रहा है सोल्यूशन को, और यहां पे आप कस्टमर को उसका सोल्यूशन बता रहे कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन मौजूद है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया क्या है, वेयर कंज्यूमर एक्टिवली क्रिएट कंटेंट टू इन्फ्लुएंस अदर्स। बेसिकली जो सोशल मीडिया यूज होता है वो किसी यूज हो रहा होता है, सोशल मीडिया है, सब एक साथ बैठे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना रियल लाइफ में। अगर हम सोशल की बात करें तो क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, मैं अपनी सजेशन दूसरे को दे रहा हूँ, हम लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं और मैं, अच्छा मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की, आप ट्राई करके देखो, ये ऐसी है, ऐसी इसकी ये फायदे ये नुकसान आते हैं। फर्क क्या है, अब हम वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं दूसरे से, किसके ऊपर, सोशल मीडिया की तरह। तो सिर्फ सोशल मीडिया पे हम आते हैं तो हम कर क्या रहे होते हैं, हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, किस चीज से, अपने प्रोडक्ट से, अपने कंटेंट से, एक दूसरे को प्रमोट कर रहे होते हैं। आप सिर्फ कुछ नहीं देखो, आप देखो फेसबुक के ऊपर किसी ने एक एड बनाया, आपको अच्छा लगा, आपने शेयर कर दिया, दूसरे ने देखा उसको अच्छा लगा, उसने शेयर कर दिया। आपकी वीडियोज हैं, आपने बनाई है, आपने रखी है, अच्छी लगी लोगों को, वो लोग शेयर करते जाएंगे। आपका कंटेंट है, लोगों ने देखा, उनको अच्छा लगा, वो यूज करते जाएंगे। तो ये सब क्या है हमारे पास, सोशल मीडिया तो है, और कर क्या रहा है, वर्ड ऑफ माउथ की तरह काम तो कर रहा है, क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस अदर्स। एक चीज मेरे पास मुझे अच्छी लगी, मैंने शेयर की, 10 लोगों ने देखी, उनको अच्छी लगी, उन्होंने आगे शेयर कर दी, ऐसे तो हो रहा है। याद है आपको वो चाय वाला, ठीक है, वो चाय वाला क्या था, किसी ने एक तस्वीर खींची और फिर उसने उसको शेयर कर दिया, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो फैलती चली गई। तो क्या हो रहा है हमारे पास, यही तो हो रहा है कि एक ने कंटेंट क्रिएट किया और उसने आगे ट्रांसफर कर दिया, इन्फ्लुएंस अदर्स, कि भाई मुझे कंटेंट अच्छा लगा, बाकी जिसको अच्छा लगा वो आगे शेयर करते चले आएंगे। तो ये क्या है हमारे पास, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया। और लास्टली हमारे पास क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी क्यों, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ज्यादातर लोग आपस में हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं, किसके जरिए, अपने सेलफोन के जरिए। कैसे रहते हैं भाई, आप कनेक्टेड नहीं हो मगर आपके पास क्या होता है, जैसे ही कोई भी आपको मैसेज करेगा, कुछ भी करेगा, फोन क्या रहेगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको हर वक्त उसको उस प्लेटफॉर्म पे हर वक्त मौजूद रहने जरूरत नहीं है। क्या आपको लाजमी है कि आप हर वक्त अपना फेसबुक लॉगिन रखो अपने कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर बंद कर देते हो आप, आपके मोबाइल में चल रहा है, जहां किसने कोई मैसेंजर मैसेज भेजा आपके पास फौरन आ जाता है, व्हाट्सएप पे भेजा फौरन आ गया आपके पास,
कोई भी एक्टिविटी हुई आपके पास मैसेजर उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर आपकी आ रही होती है। तो जब से मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है तो ये तीनों एक्टिविटीज बहुत तेज हो गई है, ठीक है, और इन चारों से मिलकर क्या बन रही थी हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का फ्रेमवर्क बन रहा होता है। देखो एक्चुअली होता ही है कि हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग, हमारे पास देखो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास प्रोडक्ट है या सर्विसेज सेल तो करनी है। अब सेल्स करने के लिए उन्होंने क्या रखा होगा, अपने पास सेल्स डिपार्टमेंट होगा। अब आप ऑन साइट सेल करो, ऑफ साइट सेल करो, आप ऑनलाइन सेल करो, आप कैसे भी सेल्स कर रहे हो, आप सेल्स तो कर रहे हो, मगर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आपके लिए एक सपोर्टिंग एंड मिल जाए कि कोई और कहे कि ठीक है मैं आपके व्यापार सेल कर दूंगा। Exactly. अगर मैं सेल करता हूँ उसके अगेंस्ट में कमीशन चार्ज करूंगा जो आप दूसरे को दे रहे हो, आप मुझे भी कमीशन दे दो। अब कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आप बेचो या उनका बंदा बेचे या कोई भी बेचे, सेल्स होनी चाहिए। तो जितनी बड़ी फर्म्स होती हैं, बल्कि बड़ी क्या, अब तो नॉर्मली जो एवरेज फर्म्स हैं वो भी क्या कर रही हुई है, एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है कि भाई कोई भी आए आके हमसे एफिलिएशन ले और वो अपने पास अगर उसके पास स्किल्स है वो ला सकता है, ऑडियंस लेके आ सकता है, अगर वो बेच सकता है तो बेचे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अपना काम है, आप जिस तरह चाहें जैसे चाहें करें, आपकी अपनी स्किल्स हैं, अगर आप अच्छे हो इसमें तो आप बहुत अच्छी कमा सकते हो और अगर नहीं हो तो आपकी मर्जी। तो करके रहती फर्म्स के रही होती है कि भाई हमें हमारी प्रोडक्ट सेल करनी है। अब उस वहां तक ले जाने के लिए कोई ना कोई, देखो वो खुद तो एफर्ट कर रही है, उनकी एफर्ट सामने ट्रेसेबल है, मगर कोई और अगर वो ट्रैफिक लेके आता है तो उसके लिए क्या करेंगे उनका, ठीक है हम आपको पे करेंगे एज अ कमीशन के तौर पे अगर आप लेके आ रहे हो तो, ठीक है। तो ये क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। लेट्स सपोज दराज की प्रोडक्ट्स है, मैं कहता हूं भाई मैं दराज की प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूं, दैट हैज टू डू विद बिल्डिंग वेबसाइट एंड सेलिंग अ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट फॉर अ कमीशन, ठीक है। अगर आप वहां तक लेके जाना चाह रहे हो मगर लेके कैसे जाओगे, आपके पास भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे लोग आए और फिर आप वहां से किसी थर्ड पार्टी को रेफर करो। तो आपके पास एक प्रोडक्ट, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो नॉर्मल कहां से बन रहा होता है, आपके पास वेबसाइट से। तो आप पहले अपनी एक वेबसाइट बनाते हो जिस पे ट्रैफिक आता है और फिर आप अपनी वेबसाइट से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे होते हो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट पे। तो पहले तो वो आपके पास ऐसा मटेरियल, कंटेंट, ऐसी चीजें होनी चाहिए कि वो ट्रैफिक आप तक आए। वंस वो आप तक आ गया, अब वो कंटेंट है उसको पढ़ के आपको करना क्या है, उन लोगों को आपको ट्रांसफर करना है कि वो थर्ड पार्टी की परचेजिंग तक एग्री हो जाएं, और उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा होगा, आपको कमीशन मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग। हमारे पास जो सेलिंग हो रही होती है वो दो तरह से सेलिंग हो रही होती है, एक होती है हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट्स हमारे कौन सी हैं, सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जो आप अमेजोन से या किसी और वेबसाइट से परचेज कर रहे होते हो फिजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या होती है, आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स होती है। डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन सी होती है, जो आपके पास फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, आप वर्चुअल फॉर्म में, आप कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई इस तरह की आपके पास चीज हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। तो दो तरह की है, एक आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स और एक आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिर हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग करते क्यों हैं, व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग, फाइंडिंग ट्रैफिक एंड कन्वर्ट इनटू सेल्स। क्या करना है हमें, ट्रैफिक को फाइंड आउट करना है और फिर उस ट्रैफिक को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, ट्रैफिक को फाइंड आउट करना है। तो मसला यही है कि ट्रैफिक को फाइंड तो करें मगर कैसे, हाउ टू गेट ट्रैफिक, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं ट्रैफिक को हमारे पास हासिल करने के, एक होता है हमारे पास पेड ट्रैफिक और एक होता है फ्री ट्रैफिक, ठीक है। पेड के अंदर हमारे पास क्या आ गया, फेसबुक एड्स आ गए, गूगल एड्स वगैरह आ गए, और हमारे पास फ्री ट्रैफिक में क्या है, हम अपने पास जो SEO वगैरह कर रहे होते हैं उससे हमारे पास ट्रैफिक आ रहा होता है, ताकि हम टॉप पे आ रहे होते हैं, अपने कंटेंट पे आ रहे होते हैं, वेबसाइट रेफरेंस वगैरह होते हैं, तो उससे हम ट्रैफिक गेन करते हैं। तो दो है हमारे पास, एक है पेड, हम पेमेंट कर रहे होते हैं ट्रैफिक को लाने के लिए, और दूसरा है फ्री, हम क्या करते हैं, कोई पेमेंट नहीं कर रहे होते और हम फ्री में क्या करते हैं, ट्रैफिक को गेन कर रहे होते हैं। दोनों के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान आते हैं। पेड की हम बात थोड़ी सी देर में करेंगे, तो हम पहले बात करते हैं ट्रैफिक, फ्री ट्रैफिक की, ठीक है।
ट्रैफिक विदाउट पेइंग। देखो हमेशा याद रखो, जब भी आप अपनी कॉस्ट लगा रहे होते हो तो आपको हमेशा क्या हो रहा है, आप उसमें टेंशन में होते हो यार कितना पैसा लग रहा है मेरा और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, और इनकेस अगर उतना जनरेट नहीं हो रहा तो क्या होगा। ठीक है, फ्री ट्रैफिक में आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या किया, आपका कौन सा पैसा लगा हुआ है, मतलब कोई मेजर अभी कॉस्ट नहीं लगी हुई, वन टाइम कॉस्ट आपने लगा ली, आपने डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले ली, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी, अब आपकी एस सच कोई एस सच कॉस्ट नहीं जा रही है। अगर आप खुद मेंटेन कर रहे हो तो आपका सिर्फ कोई क्वार्टरली कॉस्ट नहीं, आपको कॉस्ट आएगी वो एक साल बाद आएगी, तो आप इसको इजिली टेंशन फ्री होके मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो फ्री ट्रैफिक कौन सा हमारे पास, ट्रैफिक विदाउट पेइंग। ई बिट ऑफ कंटेंट ऑन योर वेबसाइट हैज अ चांस टू एक्सपोजर एंड रैंकिंग इन द सर्च इंजन। हमारे पास ऑलमोस्ट 90% जो सर्चेज है वो कहां से होके आ रही है, वो गूगल से सर्च होके आ रही होती है। ठीक है, गूगल के ऊपर जब आप जाते हो तो आप करते क्या हो, आप आपने जो भी आपका आपकी जो कीवर्ड है आपने वो टाइप किया, और नॉर्मली आप पहले पेज पे, बहुत बहुत ज्यादा हो तो सेकंड पेज पे आप चले गए अगर आपको चीजें नहीं मिली तो, हार्डली आप कभी थर्ड पेज तक जाते होगे, उसके बाद तो कोई दिखता भी नहीं है। ठीक, तो आपका करना क्या होता है, आप चाह ही रहे होते हो कि भाई किसी तरह से मैं रैंकिंग में आ जाऊं। जितना ज्यादा आप रैंकिंग में आओगे, शुरू की ही साइट पे आपको लिंक किए जाते हैं, तो कोशिश ये होती है कि आप क्या करो, आप टॉप पे आ जाओ। और कैसे आओगे, आप सर्च इंजन में आ रहे होगी तो कोई कुछ हमारे पास टेक्निक्स हम उसको यूज करेंगे, उससे हम जरिए कर रहे होंगे, हम फ्री ट्रैफिक को गेन कर रहे होंगे। ठीक है, अब उसमें हमारे पास क्या आता है, हमारे पास तीन तरह से ट्रैफिक आ रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक सर्च, जो कि आपके गूगल सर्च पे आ रहा है, आपने गूगल पे लिखा, आपकी वेबसाइट आ गई ऊपर, अगर आपको लोगों को समझ में आया, लगा कि भाई ये रेलिवेंट है, लोगों ने क्लिक कर दिया, ये क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च में क्या है, हम करते क्या है, अपने इस तरह से बना रहे होते हैं अपने जो भी कंटेंट है, अपनी वेबसाइट है, कि गूगल पे सर्च करें और हमारे पास टॉप पे आ रही हो और लोग यहां से गूगल के थ्रू हमारे पास ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा हो। दूसरा हमारे पास होता है रेफरेंस, जो रेफर हो रहा होता है। रेफरेंस मतलब मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने अपने फेसबुक पे डाला हुआ है, मैंने अपने ट्विटर पे डाला हुआ है, तो वहां से जो ट्रैफिक डाइवर्ट होकर आ रहा होगा मेरे पास वो है रेफरल, जो कहीं से रेफर होके फिर मेरी साइट तक आ रहा है। एक तो हमारे पास तरीका हो गया डायरेक्टली गूगल से आ रहे हैं, दूसरा ये हमारे पास रेफरेंस, एक जगह से एक प्लेटफॉर्म से रेफर हो रहा होता है दूसरे प्लेटफॉर्म तक। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। और तीसरा जो हमारे पास ट्रैफिक आने का तरीका है वो है डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक क्या है, लोगों को पता है आपकी वेबसाइट के बारे में, लोग जानते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली उन्होंने लिखा और उस पे आ गए, ना कोई गूगल सर्च किया, ना कोई आपके किसी और प्लेटफॉर्म से ट्रांसफर हुए, डायरेक्टली उन्होंने क्या किया, अपने ब्राउजर पे गए, उन्होंने आपका लेट सपोज हम जा रहे हैं विकिपीडिया, आपने विकिपीडिया टाइप किया, एंटर किया और वो आ गया, तो ये क्या है, डायरेक्ट ट्रैफिक है। तो नॉर्मली जो हमारे पास तीन सोर्सेज है, मेजर सोर्सेज, वो कौन से हमारे पास, वो है हमारे पास सर्च इंजन, दूसरे हमारे पास रेफरल, और तीसरा हमारे पास है, ये तो फ्री था हमारे पास, अब हम पेड की बात करते हैं। अब पेड में क्या होता है हमारे पास, पेड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमें हर वक्त उसको फोकस करना पड़ेगा, क्यों, हमारी कॉस्ट लग रही है। हम ये देख रहे होंगे कि हम जो एडवर्टिजमेंट कर रहे हैं क्या वो इफेक्टिव हो रही है या नहीं हो रही। हम करते क्या है, हमने पेमेंट की, अब पेमेंट करने के बाद ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या वो फिजिबल है या नहीं है, मतलब ये समझ लो कि हम फ्री में तो हम टेंशन फ्री हुए हुए होते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने एक बार कॉस्ट लगाई, अब एज सच हमें पूरे साल कोई खास कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही उसको मैनेज करके मॉनिटर करके कर लेंगे, मगर पेड में हमारी कंटिन्यूसली कॉस्ट लगी हुई होती है तो हम इसके बारे में ज्यादा कंसर्न होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें ज्यादा क्लोजली उसको मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है, मॉनिटर के अलावा हम देख रहे होते भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, इसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं, अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। ऑप्टिमाइज का होता है ये कि आपकी जो एक्चुअली टारगेट मार्केट है, आप क्या उस टारगेट मार्केट को सही से टारगेट कर रहे हो या नहीं कर रहे। लेट सपोज आपने एक, ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने परचेज कर लिया, आपने पेड ट्रैफिक लेके आने के लिए आपने लिंक ले लिया, मगर उसके जो पीछे कंटेंट लिखा हुआ है वो रेलिवेंट नहीं है। अब लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे यार फायदा क्या है इसका, इसका कोई फायदा नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, फर्स्ट पेज पे आ रहे मगर लोग नहीं जा रहे। या फिर हमारे पास क्या है कि आपके जो आपने जो ट्रैफिक लिया हुआ है वो किसी और का है, अब जिसे रेलिवेंस नहीं बन रही, लिंक नहीं बन रहा। अभी देख रहे होते हो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट में रिटर्न जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कंपेयर करें फ्री वर्सेस पेड को, तो हमारे पास क्या है,
हमारे पास एक चीज है वो ये है कि जो पेड होता है वो जल्दी रैंक में आ जाता है, जबकि फ्री को टाइम लगता है ऊपर रैंकिंग में आने में, क्योंकि गूगल का अपना जो है वो एल्गोरिथम है, उसके अकॉर्डिंगली कर रहा होता है और वो एल्गोरिथम किसी को डिस्क्लोज नहीं है, ठीक है। तो लोग ये कर रहे होते हैं कि भाई हो सकता है, और उसके बारे में ये है कि गूगल जो है हर कुछ दिन में अपना एल्गोरिथम चेंज कर देता है, ठीक है। तो यही वजह है कि हमारे पास अगर हमें खुद से फ्री ट्रैफिक लेके आना है तो हमें उस पर वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो चीजें आ गई, एक आ गई हमारे पास पेड और एक आ गई फ्री। पेड के अंदर क्या है, हमें इन तमाम चीजों पे क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। जबकि फ्री है हमारे पास, वो कैसे है, वो फ्री है, हमारे पास इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर उसमें रैंकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, मगर आ सकती है। तो मेरा ये कहना है कि भाई आप क्या करो, आप फ्री पे काम करना शुरू करो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो आप पेड पे आना, वरना इनिशियली उस पर कॉस्ट जाया करने वाली बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, How to rank organic on the Google? Google facilitate that adds value to user. देखो, Google जो ranking कर रहा होता है, उसकी first priority ये होती है कि अगर आप अपने consumer को, जो आप user आ रहा है, उसको अगर आप facilitate कर रहे हैं, value added कोई चीज दे रहे हैं, तो वो आपको खुद ब खुद ranking में ऊपर लेके आएगा। बात समझो, अगर तीन साइट्स हैं और तीनों की तीनों एक ही चीज, एक ही कंटेंट, एक ही तरह की चीजें आएंगी, सब चीजें एक ही हैं, तो उससे गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर एक साइट है जो उससे हटके ऐसा है जो यूजर्स को फैसिलिटेट कर रहा है, वो खुद ब खुद उसको ऊपर लेके आएगा। तो फैसिलिटेशन जो यूजर को हो रही होती है, जो जितनी ज्यादा वैल्यू एड करेगा गूगल, उसको उतना ज्यादा ऊपर लेके आएगा, ठीक है। फिर वही बात आ गई रेलिवेंसी की, अगर आपका कॉन्टेंट आपके जो कीवर्ड से रेलिवेंट है तो खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा, मगर अगर रेलिवेंसी नहीं बन रही, आपने कीवर्ड कुछ और यूज किया है और अंदर मटेरियल कुछ और है, तो रेलिवेंसी नहीं बनेगी, वो खुद ब खुद क्या रहेगा, वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपस क्या है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ऑन पेज और ऑफ पेज, ऑन पेज का मतलब क्या, एनीथिंग टू डू विद योर वेबसाइट, अगर आप अपने वेबसाइट पर रहकर कुछ भी काम करते हैं तो ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, आपके पेज की रैंकिंग पेज की वजह से हो रही है। मसलन आपका पेज फास्ट लोडिंग है, जितना ज्यादा देर से लोड होगा वो खुद ब खुद आपके सर्चिंग में पीछे जाता रहेगा, बेसिकली हम एसईओ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसईओ उसकी सर्च पे, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, जितना ज्यादा फास्ट लोडिंग होगा वो खुद ब खुद ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पहला ख्याल रखना होता है कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो उसको स्लो कर रही हो, लोडिंग इसकी तेज होनी चाहिए। सेकेंडली, आप जब भी काम करो तो इसमें लाजमी तौर पे आप वीडियोस, इमेजेस, ये सब चीजें ऐड करो, मगर विद प्रॉपर टाइटल्स, सबटाइटल्स, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शंस। आपने क्या किया, आपने कंटेंट बनाया है मगर उसके टाइटल्स नहीं डाले, टैग्स नहीं डाले, डिस्क्रिप्शंस नहीं डाली, वो क्या होगा, वो सर्च में नहीं आएगा। तो पहला काम क्या है, आपको लोडिंग अपनी फास्ट रखनी है। दूसरा काम क्या है कि जितनी भी चीजें आपने डाली हैं वो प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए, टाइटल हो, सब टाइटल हो, टैग्स हो, डिस्क्रिप्शन हो, क्योंकि वो करके आ रहा था, वो उनको मैच कर करके लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सर्च के लिए ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लोग बेसिकली इसी से ही प्रोडक्ट को ऊपर लेके आते हैं अपनी साइट को, और इसी से ही वो लूज कर जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो मोस्ट एक और पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ लिंक्स। अब क्वालिटी ऑफ लिंक का मतलब ये है कि दो तरह के होते हैं, एक आपके पास जो वाकई अच्छी, जो आपके पास वेल नोन है या वेल एसईओ, जो आपके पास जो वेबसाइट्स हैं, अगर आपका उनका लिंक है तो वो खुद ब खुद रैंकिंग में ऊपर आएगा। मगर अगर कोई ऐसा लिंक है जो आपको स्पैम लिंक्स की तरफ लेके जा रहा है, मतलब होता क्या है, आप क्लिक करते हो, वो करेगा क्या, वो दूसरे किसी और पे ले जाएगा जहाँ पे खाली पेज होता है, या वो क्या कर रहा होता है, वो उस पे एड्स खाली आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के अगर कोई आपके लिंक्स हैं तो वो स्पैम लिंक्स होते हैं, वो खुद ब खुद क्या करेगा, आपकी रैंकिंग रिड्यूस कर देगा। पहला काम क्या करना है, फास्ट लोडिंग। दूसरा काम क्या करना है, वीडियोस और इमेजेस इंसर्ट करना है, उनके साथ प्रॉपरली टाइटल, सब टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, तमाम चीजें होनी चाहिए। थर्ड, आप जो उसमें लिंक्स डाल रहे हो, लिंक्स कैसे होने चाहिए, वो क्वालिटी लिंक होने चाहिए। अगर कोई स्पैम लिंक है और आपको पता है वो स्पैम लिंक है तो उनको आप रिमूव कर दें, वरना ये आपकी रैंकिंग को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे सारी ऑर्गेनिक सर्च की, फ्री ऑर्गेनिक सर्च की, ठीक है। तो हमें करना है, हमें स्पैम्स को रिमूव करना है,
क्योंकि ये आपको पता होता है जब आप लिंक्स डाल रहे होते हो तो। फिर हमारे पास क्या है, क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है कि वो तमाम कंटेंट जो वैल्यू ऐड कर रहा हो यूजर पे, अगर यूजर के लिए वो इफेक्टिव है, फायदे का है, तब तो ठीक है, और अगर यूजर के लिए किसी काम का नहीं है तो कोई फायदा नहीं इसका। ठीक है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट से मुराद ये है कि भाई जो मैं सर्च करना चाह रहा था क्या वही मुझे मिला या कुछ और मिला। ठीक है, तो सर्च इंटेंट कि व्हाट यूजर लुकिंग फॉर, यूजर ने जो ढूंढ रहा है, जो उसने सर्च किया, जो कीवर्ड सर्च किया, अगर रेलेवेंसी है तब तो ठीक है, और अगर रेलेवेंसी नहीं है तो फायदा नहीं है, मेरे साइट बजाय ऊपर रैंक आने के वो नीचे चली जाएगी। देखो वापस सुनो, आप क्या कर रहे हो, आप टैग्स लगा रहे हो, डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, मगर अगर वो टैग्स और डिस्क्रिप्शन इररेलेवेंट हुई तो वो क्या वो जो इंटेंट है उससे मैच करेगा, और अगर ये मैच नहीं करेगा तो क्या वो क्वालिटी कंटेंट बन पाएगा। तो ये तमाम चीजें आपस में इंटरलिंक है, तो टैग्स हो मगर प्रॉपरली टैग्स हो, डिस्क्रिप्शन हो प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन हो, और रेलिवेंट हो, अगर रेलिवेंट है तो काम की है, रेलिवेंट नहीं है तो वो आपकी बजाय रैंकिंग ऊपर बढ़ाने की वो रैंकिंग को नीचे ले जाएगा। तो देखो हमने क्या किया भाई, कोई भी यूजर आएगा वो क्या करेगा, वो गूगल पे सर्च करेगा। अब वो सर्च करके जहां जाएगा तो उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही मिलनी चाहिए। फर्ज करो आप हो, आप एक चीज सर्च करते हो और आप एक लिंक पे जाते हो और वहां पे लिंक पे वो चीज ही वो नहीं होती जो आपको चाहिए, क्या होगा, आप उस पर दोबारा जाओगे? आपको कह नहीं यार यहाँ पे तो सारी इररेलीवेंट बातें होती हैं, जो मैं चाह रहा था वो मुझे नहीं मिला। या अगर आप ऐसे लिंक पे जाओगे जो आपको चाहिए था और वही चीज आपको मिली है तो आप क्या करोगे, वो आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट है। तो रेलिवेंसी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो किससे आ रही होगी, जब आपने जो चीज लिखी है और वही डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स में मौजूद है, टैग्स में मौजूद है, तो क्या कर रहा होगा, वो रेलिवेंसी बन रही होगी, और जितनी ज्यादा रेलिवेंसी बनेगी आपकी रैंकिंग खुद ब खुद बेहतर होगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है फास्ट लोडिंग, फिर वीडियोज और इमेजेस प्रॉपरली टाइटल हो, प्रॉपरली उसके सब टाइटल्स हो, टैग्स हो, डिस्क्रिप्शन हो, फिर तीसरी हमारे पास कोई भी ऐसा लिंक जो स्पैमी हो उसको रिमूव कर देना है, फिर जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल रेलिवेंट रहना चाहिए किससे जो उसकी आपकी रेलिवेंसी है, और फाइनली क्या चाहिए, इन शॉर्ट एंगेजिंग यूजर एंड कन्वर्ट इनटू सेल। हमें करना क्या है, अपने कंटेंट को ऐसा रखना है कि जो यूजर है वो इंगेज रहे, ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ वन टाइम आए। आपने क्या किया, आप ऐसा कंटेंट लिखते हो कि जो क्या करता है वो बार बार आपके ब्लॉग्स पढ़ने आता है, उसने सब्सक्राइब कर लिया, वो बार बार ब्लॉग्स पढ़ने आ रहा है, क्यों, आपका जो मटेरियल था, जो कंटेंट था वो इतना पावरफुल था। ठीक है, तो हमेशा क्या करो, आपको रखना ये है कि अपने यूजर को इंगेज रखना है, इंगेज होगा तो सेल्स करेगा, वो भी इंगेजमेंट सेल्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जरा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड तो नहीं है मगर क्या करा होता है, वो देख रहा होता है स्ट्रेंथ ऑफ योर वेबसाइट कंपेयर टू अदर्स, आप क्या वैल्यू एडेड चीज दे रहे हो जो बाकी नहीं दे रहे। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको करना ये होता है कि जो सब बेच रहे मंजन आपको सिर्फ वो नहीं बेचना, आपको करना क्या है, आपको वो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी है जो बाकी नहीं दे रहे, वो गाइडेंस भी देनी है जो बाकी नहीं दे रहे। तो आपको ऑन पेज के साथ साथ ऑफ पेज पे भी फोकस रखना है। कंफ्यूजन नहीं आता कोई? नो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, जरा बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। कंटेंट मार्केटिंग इज पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ टारगेट ऑडियंस। ठीक है, ये हम कंटेंट कहां कहां कैसे कैसे लेके जा रहे होते हैं, हमेशा याद रखो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाना है, शॉर्ट टर्म क्विक एड्स पे हमें काम नहीं करना, हमें क्या करना है, अपना ब्रांड बनाना है, अपनी वर्थ बनानी है ताकि हम लॉन्ग टर्म काम कर सकें। तो हमेशा याद रखो, लॉन्ग टर्म का सोच के चलोगे तो आगे कामयाब रहोगे, मगर अगर आपने शॉर्ट टर्म का सोच लिया तो आपको शॉर्ट टर्म में टेम्पररी बेनिफिट मिल सकता है मगर परमानेंटली आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हमेशा लॉन्ग टर्म, आप बोल रहे हो
बोल रहे हो, तो हमेशा लॉन्ग टर्म का आप सोच के चलो, ठीक है? अच्छा हाँ, यू विल बी इन योर कस्टमर्स माइंड व्हेन दे आर रेडी टू बाय। देखो अब वो करना क्या है, अब वो करना ये है कि आप कस्टमर्स को लेके आना है सेल्स तक। आप कुछ देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आपका सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है उस ट्रैफिक को कन्वर्ट करना है सेल्स में। क्या है हमारे पास, आप क्या है, ट्रैफिक लेके आना है और ट्रैफिक को सेल्स में कन्वर्ट करना है, सिर्फ ट्रैफिक नहीं करना, ठीक है? तो आप करोगे क्या, आपको लगता है कि भाई जिस पॉइंट पे कस्टमर आपका ये रेडी हो जाए कि नहीं, अब वो टाइम है कि अब आपको क्या करना है, अपने सेल्स पे फोकस करना है, तो आप कैसा करोगे? आपके कंटेंट क्या हो सकते हैं, आपके पास होते हैं ब्लॉग्स, ब्लॉग्स के जरिए आप कर रहे होते हो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हो, ठीक है? पॉडकास्ट, पॉडकास्ट क्या होता है हमारे पास, ये समझ लो कि ऑडियो मैसेजेस होते हैं, ठीक है? और इस तरह से आपके पास क्या है, जैसे आपके पास सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम वगैरह हो रहा है, तो इसके जरिए आप क्या कर रहे होते हैं, अपने कंटेंट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? मगर याद रखो जितना ज्यादा ट्रैफिक उतनी ज्यादा सेल्स, तो ट्रैफिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मगर ट्रैफिक के साथ साथ हमें करना क्या है, अपने कंटेंट पे काम करना है, ताकि कंटेंट से क्या होगा, कस्टमर का माइंड बनेगा, हमें ट्रैफिक आ गया, अब ट्रैफिक को कन्वर्ट करना है नेक्स्ट स्टेप में किस पे, सेल्स पे। तो अपने कंटेंट को अब आप क्या करो, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से लेके जाओ ताकि वो सेल्स की तरफ जा रहा हो, और वंस वो सेल्स पे कन्वर्ट हो गया तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। सबसे पहले काम क्या किया आपने, एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे क्या करना है आपको, कस्टमर्स को लेके आना है, अब वो आप चाहे पेड कर रहे हो या फ्री कर रहे हो। अगर आप काम कर रहे हो उस पे, फ्री पे काम कर रहे हो, तो आपने ऑर्गेनिक साइट बनाई, मतलब ऑर्गेनिक सर्च में लेके आना है, उससे रिलेटेड आपने काम किया, आपने उसमें इमेजेस लगाई, आपने उसमें जो है वीडियोस लगाई, उस पे आपने टाइटल्स डाले, सब टाइटल्स डाले, डिफरेंट काम किए, लिंक्स रिमूव कर दिया, एंड सो ऑन, आपने सारे काम कर दिए। अब वो लोग क्या कर रहे होंगे, आपके पास सर्च इंजन में आप आ रहे हो, लोग आपके पास आ रहे होंगे, नेक्स्ट आपके पास ट्रैफिक जनरेट हो गया, अब उस ट्रैफिक को कन्वर्ट करना है सेल्स तक। वो ट्रैफिक सेल्स पे कन्वर्ट ही जब होगा जब आपका कंटेंट ऐसा होगा। अब आप नेक्स्ट कंटेंट पे काम करो, आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर को आप कन्वर्ट करना शुरू करो, ट्रैफिक कन्वर्ट शुरू करो कि उसका माइंड बने। एक बार उसका माइंड बन गया तो फिर वो जाके सेल्स पे कन्वर्ट होगा, और जब वो सेल्स पे कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, आपका कमीशन मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल जब आपने स्टार्ट किया, आप क्या करोगे, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किस पे करना चाह रहे हो, बिफोर बिल्डिंग अ वेबसाइट एंड कन्विंसिंग पीपल आस्क योर सेल्फ वन सिंपल क्वेश्चन, अपने आप से ये पूछें, व्हाई पीपल वॉन्ट टू क्लिक ऑन योर वेबसाइट, आना क्यों चाहेंगे, व्हाई वुड दे कंटिन्यू टू कम बैक ऑन योर साइट, एक बार आ गए तो दोबारा क्यों आएंगे, और तीसरा सवाल, व्हाई विजिटर्स वॉन्ट टू बाय फ्रॉम यू, आपसे क्यों खरीदेंगे। इन तीन सवालों को सोचते हुए फिर अपने कंटेंट पे आप काम करना शुरू करें, इन तीनों को बेस बनाएं एज अ पिलर के तौर पे, फ्रेमवर्क के तौर पे, और इसकी बेसिस पे फिर आप इनको ध्यान में रखते हुए फिर आप क्या करें, डेवलप करना शुरू करें, ठीक है? तो इन तीनों सवाल के, कि कोई आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगा, एक बार आ गया तो दोबारा क्यों आएगा, और आ गया तो वो आपसे क्यों परचेज करेगा। तो जो भी कंटेंट डिजाइन करें, जो भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो, वो इन तीनों सवाल के जवाबात को जहन में रख के फिर स्टार्ट किया जाए, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर विजिटर्स हैव, देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी अगर गूगल पे सर्च कर रहा है तो सर्च क्यों कर रहा है, डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जब तो वो सर्च कर रहा है। आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज सर्च करते क्यों करते हो, क्योंकि आपको नहीं आता या आपको इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जब तो आप सर्च कर रहे हो, और अगर रिक्वायर्ड नहीं होती तो आप क्यों करते। तो किसी भी चीज की वहां पर जरूरत है जब तो कर रहे हैं, तो आप करते क्या हो, रिसर्च योर टारगेट मार्केट एंड डेमोग्राफिक्स, कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट आपको पता होना चाहिए, अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कौन से कस्टमर्स को, किस तरह के कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हो,
वो पता होगा, उसकी डेमोग्राफिक पता होगी, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो उसमें रिलेटेड, उसकी जो टारगेट मार्केट है, जो डेमोग्राफिक्स है, उस रिलेटेड उनका चैलेंजेस क्या हैं, और उन चैलेंजेस के लिए, उन गैप्स के लिए आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। हमेशा याद रखो, मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग स्टार्ट ही यहीं से होती है कि आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड। कस्टमर को कोई नीड है, नीड को आपने आइडेंटिफाई किया, तो उसके आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो कोई भी आपसे प्रोडक्ट लेगा उस वक्त जब उसको उस प्रोडक्ट की जरूरत होगी। अगर किसी को उस प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है तो वो लेगा क्यों। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब भी कोई विजिटर आता है, कोई सर्च करता है, तो वो सर्च क्यों कर रहा होता है, क्योंकि डेफिनेटली वो उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन चाह रहा होता है। वो इंफॉर्मेशन जो उसके पास नहीं है, आप फर्ज करो एक मोबाइल है, आपको मोबाइल लेना है, आपने कहा कि भाई इस वक्त मैं कौन सा मोबाइल लूं, आप क्या करोगे, आप फोन जाओगे और गूगल पे सर्च करोगे, या सीधी सी बात है वो जैसे व्हाट मोबाइल, आप उस व्हाट मोबाइल की एप्लीकेशन उस पे चले जाओगे वेबसाइट पे। क्यों, आपको पता है उस पे तमाम की तमाम रिसेंट इंफॉर्मेशन होती है। लेट्स मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे पता है कि भाई मुझे ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी, व्हाट मोबाइल से मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली उस पे चला जाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोबारा से जा रहा हूं, फर्स्ट टाइम मैं किसी चैनल से गया हूंगा, गूगल सर्च पे गया हूंगा, रेफरेंस पे गया हूंगा, तो वो तो फर्स्ट टाइम था। अब क्या क्या हुआ है, उन्होंने मुझे रिटेन किया हुआ है, इंगेज किया हुआ है, किस चीज से, अपने कंटेंट से, कैसे अपने आप को अपडेट रखते हुए। मुझे फीचर्स भी मिल रहे हैं, मुझे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी मिली है, मुझे कंपैरिजन भी मिल रही है, तो जो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है वो सब वो पूरी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप सबसे पहले देखो कि भाई आपके पास क्या ऐसी कौन सी टारगेट मार्केट है जिसको आप ऑडियंस जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है। डेमोग्राफिक्स पता होने चाहिए, डेमोग्राफिक्स पता होंगे तो अब आप ज्यादा बेटर बेहतर तौर पे उसको इंगेज कर सकते हो। और आप सिर्फ टारगेट मार्केट पे रहोगे और आपने डेमोग्राफिक्स आपको आपने इसको इग्नोर कर दिया, तो आप फिर से क्या हो जाओगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ऑडियंस आ तो रही होगी, ट्रैफिक आ तो रही होगा, आ तो रहा होगा, मगर वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो टारगेट मार्केट के साथ आपको डेमोग्राफी से भी काम करना लाजमी है। ठीक है, फिर आपको पता होता है कि भाई आपकी जो टारगेट मार्केट है और डेमोग्राफिक से, उसके साथ उसके चैलेंजेस क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मैंने मोबाइल लेना है, पहले चीज मुझे क्या करना होगा, मुझे चाहिए होगा भाई मेरे पास एक रेंज है, उसी रेंज में रहते हुए लेना है, या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ही मुझे लेने, ब्रांड के लेने। तीसरी चीज मुझे क्या करना होता है, मैं कंपेयर भी करना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं इसका लेता हूँ तो क्या है और इसका लेता हूँ क्या है, फीचर्स में, प्राइसेस में, कंपनी में, तो मुझे कंपेरिजन भी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड इसके चैलेंजेस क्या है और उन चैलेंजेस के लिए आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। आपने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें आपके पास जो मोबाइल्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, मगर अगर कोई कंपेयर नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, उसको इंफॉर्मेशन, उसको अगर एक स्पेसिफिक ब्रांड उसको पता है, एक स्पेसिफिक मॉडल पता है, तो वो आएगा, वरना कंपेरिजन के लिए उसको दो तीन अलग अलग साइट्स पे सर्च करना पड़ेगा या आपके पास सर्च करना पड़ेगा, वो तमाम काम मैनुअली कर रहा होगा। मगर अगर यही चीज उसको एक ही साथ मिल जाए, अब वो बार बार आप ही के पास आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस मार्केट को सर्च नहीं करना, उसके चैलेंजेस को पता होना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक्चुअली होता है इस तरह से कि आप हर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। तो आप करते क्या हो, आप एरिया को आइडेंटिफाई करते हो कि भाई मैं किसको टारगेट करने जा रहा हूं। हम ये देखते हैं कि भाई हम किसको सेटिस्फाई कर सकते हैं बेस्ट। यू आर गोइंग टू पोजिशन एज योर सेल्फ एज द बेस्ट सोल्यूशन, आप किसको दे सकते हो। आपको पता है योर कस्टमर है द प्रॉब्लम, तमाम कस्टमर जितने भी आ रहे हैं सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जितने भी सर्च कर रहे हैं, कोई IT से रिलेटेड सर्च कर रहा है, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च कर रहा है, कोई किसी प्रोडक्ट से रिलेट सर्च कर रहा है, सर्च सब कर रहे हैं, मगर क्या आप सबको सर्व कर सकते हो, नहीं। आप करते क्या हो, आप ये देखते हो कि आप बेस्ट सॉल्यूशन किसको दे सकते हो और फिर आप उसी के हिसाब से क्या करते हो, अपने टॉपिक को चूज करते हो, अपने टॉपिक को चूज करते हो, अपनी फील्ड बनाते हो कि आप किस
पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, किस पर्टिकुलर से रिलेटेड आप क्या करोगे उसमें आप लोगों को फैसिलिटेट करोगे, तो आप स्पेशलाइज हो जाते हो, आप ड्रिल डाउन करते जाते हो कि कहां आप लोएस्ट लेवल पे आप जाके किस स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। स्मॉल स्पेशलाइज एरिया ऑफ, हम करते क्या है, हम स्मॉल स्पेशलाइज एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं कि भाई हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, हम किस किन लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम अपने आप को देखते हैं, देखो कस्टमर बाद में, कस्टमर के लिए जो आप बना रहे हो इन्फॉर्मेशन वो बाद में, पहले आप अपनी एनालिसिस करोगे कि आप किस चीज में अच्छे हो, आपके पास क्या एक्सपर्टीज है, आपके पास किस चीज की नॉलेज ज्यादा है जिसमें आप बेटर सर्व कर सकते हो। तो आप अपने आप को पहले एनालाइज करो, उसके बाद में फिर आप क्या कर रहे होगे, अपनी मार्केट को चूज कर रहे होगे, ठीक है। तो अपने आप से पहले स्टार्ट करो, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, चीजें डेवलप करना शुरू करोगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो व्हाई नीच, व्हाई नॉट वेबसाइट कवरिंग एवरीथिंग, सब कुछ क्यों नहीं, हर एक को हम क्यों नहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हमने कभी हर एक को सर्व कर लेते हैं। अब मेरी वेबसाइट के ऊपर तमाम तरह की चीजें होंगी, तमाम तरह की प्रोडक्ट्स होंगी, हम हर ऑडियंस को हम कवर कर रहे होंगे, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर बहुत बड़ी है, हमारे पास टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, हर एक में हमारी स्पेशलिटी नहीं है, हम हर एक में स्पेशलाइज नहीं है कि हम हर एक को कन्विंस कर सके हर चीज में। हमारे पास टारगेट ऑडियंस है, टारगेट मार्केट है, लोगों को चाहिए, अगर गैप है और आप बेटर फैसिलिटेट कर सकते हो तो लोग लेंगे। अब वो चाहे कुत्तों की प्रोडक्ट हो, इंसानों की प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर मार्केट में गैप है, आप फैसिलिटेट कर सकते हो अच्छे कंटेंट के साथ, उनको ग्रेस्प कर सकते हो तो लोग लेंगे। पहला जो सबसे मुश्किल काम है, आप रैंकिंग में नहीं आ सकते। जो रैंकिंग होती है वो किसके हिसाब से होती है, वो कीवर्ड के हिसाब से हो रही होती है कि कौन किस कीवर्ड पे काम कर रहा है। अगर आप 10,000 कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं और जो आपस में इंटरलिंक नहीं है तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। जब रैंकिंग में नहीं आएंगे तो आप क्या करोगे, आप उसमें ऊपर एसईओ में आ ही नहीं सकते, आप ऑर्गेनिक सर्च में आ ही नहीं सकते, ठीक है। स्पेशली अगर आप फ्री कंटेंट पे काम कर रहे हो, तो क्या थी हमारे पास पहली बार ये थी कि भाई अगर हम क्या करें, अगर हम एक हर चीज पे हम काम करना शुरू करें, अगर हम हर चीज पे काम करना शुरू करें तो होगा क्या, हम रैंकिंग में कहीं नहीं आएंगे गूगल के। ये वो क्या कर रहा होगा, वो कीवर्ड पे काम कर रहा होगा, आपकी आपकी तमाम तरह मल्टीपल डायमेंशन की होंगी तो वो उसकी रैंकिंग में नहीं आएगा, तो आप ऑर्गेनिक सर्च में नहीं आ रही होगी, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, आप फोकस नहीं कर पाओगे सही से एक टॉपिक के ऊपर। तो जिसमें आपकी स्पेशलिटी है तो बेहतर है आप क्या करो, आप उसी टॉपिक पे फोकस करके चलो, बजाय आप 10 तरह के टॉपिक्स पे फोकस करो। तीसरी बात ये, आपके पास क्या होगा, आपके पास ठीक है अगर आप लिमिटेड लोगों को टारगेट करते हो तो आपके पास जो ऑडियंस होगी वो स्मॉलर तो होगी, मगर कैसी होगी, हाई क्वालिटी की होगी। हाई क्वालिटी का मतलब ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये कन्वर्ट हो जाए इनटू सेल्स, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव था। अगर आपके पास ऐसी ऑडियंस है जो बहुत बड़ी है मगर सीरियस बायर नहीं है या इररिलेवेंट है, तो फायदा क्या होगा आपको, वो टारगेट ऑडियंस लेने से, वो ट्रैफिक जनरेट करने से आपको बेनिफिट क्या मिलना है, कुछ भी नहीं। अगर आप क्या कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपके लिए जो स्मॉलर ऑडियंस है मगर हाई क्वालिटी के लिए, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, बजाय इसके कि लार्जर ऑडियंस हो मगर आपकी पोअर क्वालिटी की हो, ठीक है। और हमारे पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो भी लोग आ रहे होते हैं वो पहले से कौन से होते हैं, वो रेडी बायर्स होते हैं, आपको ज्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ती, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, ये इजिली कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यही वजह हम क्या कर रहे होते हैं, हम बजाय सबको सर्व करने के हम स्पेसिफिक लोगों को, स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि चूज व्हाट इंटरेस्ट यू, आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, ठीक है, हर टॉपिक पे नहीं, आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, एग्जैक्टली आपकी जो स्पेशलिटी होगी, मगर सिर्फ आपकी स्पेशलिटी से काम नहीं होना, चूज व्हाट सेल्स, मार्केट में बिकता क्या है, हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली बेचना भी है। तो आप चूज करो किसके दरमियान आपका इंटरेस्ट किस में है और मार्केट में क्या बिकता है, और उन दोनों के दरमियान रहते हुए फिर आप चूज करो, ठीक है। दो ये अलग अलग चीजें, आपका इंटरेस्ट और मार्केट में क्या बिकता है। अगर आपका इंटरेस्ट जिस चीज में और मार्केट में बिकता ही नहीं है
तो फायदा नहीं होना, और अगर कोई चीज मार्केट में ज्यादा बिक रही है आपका इंटरेस्ट नहीं है तो भी फायदा नहीं होना। तो आप क्या करें, आप वो टॉपिक वो चीजें चूज करें जो आपके इंटरेस्ट से मिलती भी हो, एग्जैक्टली ना हो, करीब करीब भी हो, अगर हो तो आप वो चूज करें, मगर कौन सी हो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और मार्केट में भी बिकती हो, जो दोनों चीजें हो आप उसको चूज करते हुए आप आगे चले, क्योंकि आपको बेचना भी है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट को चूज करोगे सेल्स रह जाएगी, सेल्स को चूज करोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं, आप बेच नहीं पाओगे। आप करना क्या है, आपको दोनों में रेलिवेंसी लेके आनी है, ऐसा हो जो कि बीच की चीज हो, सेल्स भी होता हो मार्केट में और आपका इंटरेस्ट भी हो। चूज इन बिटवीन विनिंग प्रोडक्ट, एग्जैक्टली विनिंग प्रोडक्ट। अब विनिंग प्रोडक्ट, अगर आप सिर्फ विनिंग प्रोडक्ट पे रहोगे तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो, तो आप देखो कि भाई इस विनिंग प्रोडक्ट्स में भी कौन कौन सी हैं जो आपके इंटरेस्ट से रिलेट करती हैं, एग्जैक्टली ना मगर रिलेट करती हो करीब करीब, आप उनको चूज करो। ठीक है, अब करेंगे किस तरह से, स्टार्ट विद ब्रेनस्टॉर्मिंग। लाइक सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अपने हॉबीज देखी, अच्छा मेरी हॉबीज में क्या क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, योर इंटरेस्ट, अपने दोस्त के बारे में उसकी हॉबीज क्या क्या है, योर फियर। तो इस टाइप आपने क्या किया, आपने टॉपिक्स चूज करने शुरू किए जिस पे आपको लगता है कि आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो, आपने उन टॉपिक्स को निकाला। ठीक है, अच्छा फिर अब आपने क्या किया, वो टॉपिक्स तो आपने चूज कर लिए, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, देखना है कि भाई आपको क्या करना है, आपको आंसर प्रोवाइड करने हैं, सिर्फ टॉपिक नहीं है, आपको सॉल्यूशन देना है उन प्रॉब्लम्स का, तो आपको इसमें बेटर ग्रिप भी होनी चाहिए। आपने मल्टीपल टॉपिक्स निकाले और उनको ड्रिल डाउन किया कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप बेटर सर्व कर सकते हो, जिसके बारे में बेटर आप आंसर दे सकते हो, बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। मसलन आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया हेल्थ इश्यू से रिलेटेड, आपने निकाल लिया ब्यूटी एंड एजिंग से रिलेटेड, खवातीन लोग जो है पर्सनल फाइनेंसिंग, करियर गाइडेंस, गार्डनिंग, तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मगर ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि टॉपिक्स आपके ब्रॉडर टर्म्स हैं, आपको और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ड्रिल डाउन करना पड़ेगा इन टॉपिक्स पे। आप नहीं कर सकते, आपने क्या किया, आपने पहले ब्रॉडर कैटेगरी सिलेक्ट की, उस ब्रॉडर कैटेगरी में अब आप नीच पे जा रहे हो कि आप इसमें भी किसको सर्व करोगे, इन सबको सर्व नहीं कर सकते, एक कैटेगरी उठाओगे उस पूरी कैटेगरी को भी सर्व नहीं कर सकते, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, नीच पे जाना पड़ेगा। लेट सपोज आपने क्या, भाई ठीक है हम क्या कर रहे हैं, हम गार्डनिंग ले रहे हैं, आप गार्डनिंग में भी क्या है आपके पास, बहुत सारी चीजें, उसमें गार्डनिंग में आपने क्या कर लिया, आपने कहा वेजिटेबल गार्डनिंग की बात करते हैं खाली, हमारे पास जितनी भी ऑडियंस होगी हम जितने भी फैसिलिटेट करेंगे किसको करेंगे, वेजिटेबल गार्डनिंग को, किस तरह से उगाई जाए सब्जियां, उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, उनकी देखभाल किस तरह से होगी, उनकी कौन कौन सब्जियों के लिए क्या क्या एनवायरमेंट जरूरी है, उनकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी, उनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। आपने क्या किया है, आपने बजाय तमाम चीजों को आपने क्या कर लिया, आपने स्पेसिफिक उसमें भी नीच टॉपिक ले लिया, आपने ले लिए फ्लावर्स, आपने ले लिए रोजेस, किसके अंदर आ रहे हैं सारे के सारे, ये गार्डनिंग में ही आ रहे हैं, एक ब्रॉडर टर्म, बॉर्डर को आपने क्या किया, आपने ड्रिल डाउन किया है ताकि आप बेटर सर्व कर सको, बेटर टारगेट कर सको। हमने कहा कि हम क्या करें, सबसे पहले तो एक ब्रॉडर टर्म लेंगे, ब्रॉडर टॉपिक लेंगे, उस ब्रॉडर टॉपिक के अंदर हम कहा चले गए, नीच पे चले गए, उस नीच को अगर हम और अगर हम बेटर सर्व करना चाहते हो सब नीच पे चले जाएं, सबको तो आप कवर ही नहीं कर सकते, तो किसको आप बेटर सर्व कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज आपने कहा कि आप क्या करोगे, आप गार्डनिंग लोगे, ठीक है, गार्डनिंग के अंदर भी आपने लिया कि आप फ्लावर्स लोगे, अब फ्लावर्स में भी आपने ले लिया नहीं मैं सिर्फ रोजेस को टारगेट करूंगा, तो ये आप क्या होता है, आप नीच पे नीच होते जा रहे हो, आप नीच में सब नीच होते जा रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको बेटर सर्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप पूरा का पूरा फ्लावर को आप कवर कर सकते हो तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि पूरी गार्डनिंग को आप कर सकते हो कवर तो भी ठीक है, मगर ये क्या किया, आपने एक ब्रॉडर टर्म्स से ब्रॉडर कैटेगरीज को आपने क्या किया, नीच पे लेके आए और नीच को सब नीच पे लेके आए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपना टॉपिक चूज करना है कि किस टारगेट ऑडियंस को आपको ज्यादा बेहतर सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्लावर्स की बात करो तो हर फ्लावर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उनके एनवायरमेंट अलग होती है, उनकी जो पेस्टिसाइड होते हैं वो अलग होते हैं,
तो हर एक की अलग अलग है, हो सकता है आपके पास हर एक की कमांड ना हो, करते क्या हो आप इसकी बेसिस पे उनको ड्रिल डाउन करते चले जाते हो, ठीक है, क्योंकि टॉपिक होगा तो टॉपिक से रिलेटेड ही आप लोगों को सेटिस्फाई कर रहे होगी, टॉपिक की बेस पे ही आप अपना क्या करोगे, अपना प्लेटफॉर्म बनाओगे, उसी के अकॉर्डिंगली आप ऑडियंस को टारगेट करोगे, उसी से रिलेटेड आप चीजों को जनरेट करोगे, तो तमाम चीजें किससे बेस कर रही होंगी, आपके टॉपिक से, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहली चीज ये कि जब हम बात कर रहे थे कीवर्ड की, तो कीवर्ड हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड के बारे में याद रखो कि भाई कीवर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, मगर हमें क्या चाहिए होता है, हमें वो कीवर्ड चाहिए होता है जिसके एटलीस्ट 10,000 यूनिक सर्चेज हो पर मंथ। इसका मतलब क्या है कि वो कीवर्ड कम से कम एक महीने में 10,000 मर्तबा डिफरेंट लोगों ने सर्च किया हो, यूनिक सर्चेस, ठीक है, तो 10,000 लोगों ने सर्च किया हो, तो हमें उस कीवर्ड की जरूरत होती है 10,000 मिनिमम, कहते हैं कि ऑन एवरेज कम से कम 15,000 होने चाहिए, ठीक है। अब आप इस तरह सोचो कि हमारे पास जो कन्वर्जन है कितने, हमारे पास 15,000 है, हमें करना है, हम अगर पर मंथ की बात करें तो एक महीने में कितने होंगे हमारे पास, 15,000 डिवाइड बाय 30, तो एक महीने में हमारे पास कितना चाहिए, 500 विजिटर्स पर डे एटलीस्ट होने चाहिए एक की वर्ड या फ्रेज के लिए, ठीक है, कितने होंगे 15,000 हैं, तो इसका मतलब है 500 पर डे जो हमारे पास विजिटर्स आने चाहिए, और 500 पर डे एक की वर्ड के लिए, 500 पर डे का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 2% उनमें कन्वर्जन रेट होता है, मतलब 500 में से सिर्फ 10 कन्वर्ट होंगे हमारे पास सेल्स के लिए, तो हमें 10 सेल्स एटलीस्ट पर डे करनी है, ठीक है, 10 सेल्स पर डे का मतलब होता है हमारे पास एक महीने में 300 सेल्स, ठीक है। अब अगर बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको नॉर्मली 6% कमीशन दे रही है या आपको अलग अलग दे रही है, आप उससे मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी, कितनी अमाउंट बन गई पर मंथ की। देखो बासन, सीधी सी बात है, तुमने इसमें ऐसे कौन से वो कुछ किया, वन टाइम आपकी एफर्ट थी, आपने लगाई करी, अब खत्म, आप आराम से अपनी बेस की पैसे कमाओ, ठीक है। बॉस बात क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट को अपने कंटेंट को अपडेट रखना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा एक घंटा एट मैक्सिमम, बुरा है क्या, तो सिर्फ आपकी इनिशियल टाइम लग रहा होता है, इनिशियल कॉस्ट लग रही होती है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी कॉस्ट क्या लग रही होगी, आपने एक वेबसाइट बनानी है, एक डोमेन है और एक होस्टिंग है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है, तो आप इजीली इसके ऊपर एक बार वन टाइम आपने कॉस्ट लगा लिया, पूरे साल की कॉस्ट है, और ये हम जो एस्टिमेशन लगा रहे हैं ये पर मंथ का लगा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक ये कोई बुरा ऑप्शन है, और इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं हम जरा इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, तो हमारे पास जो कीवर्ड के टूल्स हैं, हम थोड़ा सा उस पर काम करते हैं। गूगल कीवर्ड, ठीक है, वो कहां ले जाएगा आपको, गूगल एड्स पे ले जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है एड, एडी एड, ये पेड है, एड लिखा हुआ है ये पेड है, और अगर आप नीचे आते हो ये सब क्या है, ये पेड नहीं है, ये कौन से हैं, ये फ्री हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल एड्स के ऊपर, गूगल एड्स ले लेते हैं हम, गूगल एड हमारे पास कहां आ रहा है, ठीक है, यहां पे आपने कर दिया स्टार्ट नाउ, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो चीजें आ रही होंगी, ठीक है। यहां पे अगर आप आते हो तो टूल्स एंड सेटिंग में, तो यहाँ पे आ रहा है पास परफॉर्मेंस और प्लानर, ठीक है, और ये आ रहा है पास कीवर्ड प्लानर, और हम कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, हम कोई नया कीवर्ड सर्च करते हैं, लेट से हम सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, क्या भाई और भी कुछ सर्च करना है, और कोई कीवर्ड वगैरह ऐड करना है, हमने नीचे इसका लिया है,
देखो ये क्या लेके आ गया हमारे पास, ये डिफरेंट कीवर्ड्स ले आया, डिजिटल मार्केटिंग ऑन एवरेज मंथली सर्च कितनी है, 10,000 से 100,000, मतलब 10,000 से 100,000 लोग सर्च करते हैं ऑन एवरेज पर मंथ। कंपटीशन कैसा है इसका, कंपटीशन इसका लो है, तो दैट मींस ये आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन इसका एवरेज भी सर है और इसकी कंपटीशन भी इसका लो है। आगे आते हैं हम ऑनलाइन मार्केटिंग, तो इसका एवरेज भी कम है और कंपटीशन भी मीडियम है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस कीवर्ड पे इन्वेस्ट करता हूं तो बेवकूफी है। कैसे भी इसका देखो मेरे पास एवरेज सर्च कितना है, 100 से 1000 के दरमियान, अगर ऑन एवरेज इसका भी निकाल लें तो कितना बना, 500 कीवर्ड्स पर मंथ के। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो पर डे के ऊपर तो निकलेगा कितना, तो ये क्या है हमारे पास, ये इन्वेस्टमेंट जाया करने वाली बात है। गूगल ट्रेंड्स, ठीक है आप, ठीक है भाई, तो ये आपको क्या बता देगा, ये ट्रेंड्स बता देगा। मसलन हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे डिजिटल मार्केटिंग, ये बेसिकली इसका ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, ये से इसका ट्रेंड आ रहा है ये। ट्रेंड आ रहा है कि भाई इस ट्रेंड के अंदर सब रीजन की बात कर रही है, ये जो ट्रेंड है वो किस तरह से, ठीक है, तो ये ट्रेंड्स के हवाले से आप कंट्री चेंज कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड पे आ गए हम, ठीक है, वर्ल्ड वाइड आप देखो इसको ट्रेंड किस तरह जा रही है, ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये दोनों का ट्रेंड का कंपैरिजन है, बल्कि हम 30 डेज का नहीं करते इसको, हम करते हैं 12 मंथ से पूरे साल का। देखो अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये है कीवर्ड शीटर। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, हमने कहा शीट कीवर्ड्स के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लोग क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हैं, ये तमाम कीवर्ड्स जनरेट कर रहा है ये, जो जो लोग सर्च करते हैं, ठीक है, हम इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक्सपोर्ट डेटा का भी है, हम चाहे तो इसको एक्सेल फॉर्म में हम इसको एक्सपोर्ट कर लें। देखो वो जो हमने किया था, जितने भी कीवर्ड थे ये तमाम कीवर्ड्स लेके आ गया हमारे पास, कितने 261 कीवर्ड्स जो जो सर्च हुए हैं,